हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 7, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर। आज के लेक्चर में हम इसका इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड देन हम इसका सॉल्यूशन नंबर 9 करेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 और सॉल्यूशन नंबर 9 होगा, ये बिलोंग करेगा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के टॉपिक के ऊपर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का टॉपिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन उसे कहते हैं जब मान लीजिए कि कंपनी ने इशू करे शेयर 10,000 रुपीज के, बट जनरल पब्लिक ने से एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 8,000 शेयर की रिसीव हुई। तो यहाँ पे देखिए, इशू किए थे 10,000 शेयर कंपनी ने, बट जनरल पब्लिक ने 8,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, मतलब कि कम एप्लीकेशन रिसीव हुई। 10,000 की होनी चाहिए थी, 10,000 की ना होके 8,000 की रिसीव हुई। जो ये 2,000 का डिफरेंस है, इसे ही बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या है। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमें गिवन है, शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पेमेंट फॉर टू बी मेड एज ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹4 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। All money was duly received. Pass necessary entry in the books of accounts. Also prepared balance sheet for the company. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रखा है कि शिवा लिमिटेड ने इशू करे शेयर 20,000 रुपीज के, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, जिसे प्रीमियम पे इशू किया गया, मतलब कि 10% प्रीमियम पे इशू किया गया। तो 10 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 ही आएगा। पेमेंट कैसे मंगवाई है कंपनी ने, एप्लीकेशन पे ₹5 मंगवाया है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट पे ₹4 मंगवाया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2 मंगवाया है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है जनरल पब्लिक से, वो सिर्फ 18,000 शेयर की रिसीव हुई है। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारी मनी जो है वो ड्यूली रिसीव हो चुकी है। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है और उसके बाद आपको कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखानी है। अब सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हम इसे नोट डाउन करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें पता है कि शेयर कितने इशू करें शिवा लिमिटेड ने, 20,000 शेयर इशू किए हैं। अब आपको ये पता है कि एप्लीकेशन कितने पे रिसीव हुई है, एप्लीकेशन हमारे पास 18,000 शेयर पे रिसीव हुई है। फेस वैल्यू ₹10 है, ₹10 का एक शेयर है, बट कंपनी ने क्या करा है कि प्रीमियम पे शेयर इशू करें तो ₹1 प्रीमियम का होगा, क्योंकि जब 10% आप कैलकुलेट करेंगे 10 का तो 1 ही आएगा। तो 10+1, मैंने 1 ऑन प्रीमियम मेंशन कर दिया है यहाँ पे। एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹5 मंगवाया है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इसलिए मैंने 4+1 कर दिया, 4 एप्लीकेशन पे हो गया और ₹1 प्रीमियम का हो गया। अलॉटमेंट पे कंपनी ने ₹4 मंगवाया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने ₹2 मंगवाया है। अब आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्री करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर विजिबल है। अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन की जनरल एंट्री करेंगे। जब भी एप्लीकेशन की जनरल एंट्री होगी ना, आप ये बात रखिए कि एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव्ड होता है, बाकी सब पे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पहले ड्यू की एंट्री होती है, बट एप्लीकेशन पे पहले रिसीव्ड की एंट्री होगी, जो कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे करते हैं जो ये ₹5 है, इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि बच्चों देखो, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 18,000 शेयर पे हुई है, तो 18,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, ये मल्टीप्लाई करके आपके पास 90,000 डेबिट साइड आएगा और 90,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड था, तो आप नरेशन में मेंशन जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब जब हमने एप्लीकेशन की रिसीव्ड की एंट्री कर दी है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री जो होती है वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से, तो 90,000 तो आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 18,000 से, तो क्रेडिट साइड आपका आ जाएगा 72,000 और 1 को जब आप 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18,000 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। नरेशन आपको लिखनी है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की एंट्रीज कर दी है, पहले हमने रिसीव्ड की एंट्री करी, उसके बाद हमने ट्रांसफर की एंट्री कर दी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की जनरल एंट्री। अब अलॉटमेंट की जनरल एंट्री से करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री होगी, जो कि होगी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे आप, आपको 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 72,000 डेबिट साइड आएगा, 72,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसके बाद आप करेंगे रिसीव्ड की एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पे होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 72,000
थाउजेंड ये डेबिट साइड आएगा, 72,000 ये क्रेडिट साइड आएगा। अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरीके से हमने अलॉटमेंट की भी जनरल एंट्री कर दी है। अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जनरल एंट्री। तो इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है, पहला पैसा ड्यू होगा उसके बाद रिसीव्ड होगा। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से, तो 36,000 डेबिट साइड आएगा, 36,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करके आप नरेशन मेंशन कर दीजिएगा। देन आपको रिसीव की एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे आप, 36,000 डेबिट साइड, 36,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सारी जनरल एंट्री कर ली है। अब हमें क्वेश्चन बोला है कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। फॉर्मेट इस तरीके का होगा, नोट्स टू अकाउंट्स का पर्टिकुलर अमाउंट, शेयर कैपिटल के अंडर में आप लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 एच। जैसा क्वेश्चन बता रखा था कि 20,000 शेयर इशू किए थे और 10 रुपए का एक शेयर था, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2 लाख रुपीज। इसके बाद सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव, हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है पब्लिक से, तो वो रिसीव हुई है 18,000 शेयर पे। 18,000 शेयर पे रिसीव हुई है, 10 रुपए का एक शेयर था, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ भी याद रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। जब सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ना, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर मेंशन करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम था ना एप्लीकेशन पे, जो आपने कैलकुलेट किया था जनरल एंट्री में 18,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो वो आपको अमाउंट के कॉलम में 18,000 रुपीज मेंशन करने होंगे। देन आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेंशन करना है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कैश एट बैंक। मतलब वो सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कैश एट बैंक है, तो यहाँ पे आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 1,98,000। तो 1,98,000 कैसा आया, ये पूरा पैसा जो भी कंपनी को रिसीव हुआ ना एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 1,98,000 रुपीज का पैसा पूरा रिसीव हुआ। तो 1,98,000 रुपीज को आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। देन अब आपको क्या करना है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये 1,98,000 आपको कैसे पता चलेगा, आपको जनरल एंट्री के सारे अमाउंट को टोटल करेंगे आप, आपको 1,98,000 ही आएगा जितने जिन पे पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को। अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज एट। यहाँ पे आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनाना है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट करंट ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर। इससे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे सब बैड बनाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे आपको लिखना होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको लिखना होगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट जाएगा 1,80,000 का। तो 1,80,000 को आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, 1,80,000 को, क्योंकि वन में हमारा ये आया था ना 1,80,000, क्योंकि इतने शेयर पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 1,80,000 आएगा। इसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट करके मेंशन कीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट आएगा जो कि था 18,000 रुपीज का, टोटल प्लस करके हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1,98,000। इसके बाद हमारे को एक एसेट लिखना होगा, सेकंड कॉलम बनाना होगा, उसके अंदर करंट एसेट, यहाँ पे मेंशन करना होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है हमारे पास वो कितने हैं, वो हमारे पास 1,98,000 है, तो यहाँ पे 1,98,000 आप मेंशन कर दीजिएगा। नोट नंबर में आप 1, 2, 3 मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1, 2, 3 से ही हमने ये अमाउंट पिक किया है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या रखा है, कानपुर गैस लिमिटेड इश्यूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 पर शेयर पर पेबल एज फॉलो, ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹4.50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर कलेक्टेड फॉर 37,000 शेयर, गिव जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट ऑल सम हैव बीन कलेक्टेड ऑन पेंडिंग डेट्स। तो देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कानपुर गैस लिमिटेड ने इशू करे हैं इक्विटी शेयर 40,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम पे इशू करें, 1 रुपए प्रीमियम का बता रखा है आपको। कंपनी ने पैसा कैसे मंगवाया है, एप्लीकेशन पे 2.50 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 4.50 रुपए मंगवाए हैं, इस पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए हैं, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए मंगवाए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 37,000 शेयर पे रिसीव हुई है, याद रखिएगा 40,000 इशू किए थे, 37,000 पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है। हमें जनरल एंट्री करके दिखानी है और साथ ही हमें क्या करना है, हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनानी होगी। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमें शेयर इशू पता कितना है, हमें पूरा जो डाटा गिवन है हमारे पास, हम उसे नोट डाउन करेंगे। 40,000 के शेयर इशू करे गए हैं। एप्लीकेशन कितने पे रिसीव हुई है? 37,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है। फेस वैल्यू जो है वो कितने है, कितने की फेस वैल्यू है? 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, बट 1 रुपीज प्रीमियम का, इसलिए मैंने 1 on premium मेंशन कर दिया है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपए 50 पैसे मंगवाए हैं। अलॉटमेंट पे कंपनी ने 4 रुपीज 50 पैसे मंगवाए हैं, इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, तो 3 रुपीज 50 पैसे तो अलॉटमेंट पे मंगवाया और 1 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए हैं और फाइनल कॉल पे भी कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री की शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ होगा, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में इक्विटी शेयर मेंशन था, इसलिए इक्विटी मेंशन करना जरूरी है आपको, तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेंशन कर दीजिएगा। अब 37,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 रुपीज 50 पैसे, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 92,500 डेबिट साइड और 92,500 क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे नरेशन आपको मेंशन करनी है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। अब हमें क्या करनी है, ट्रांसफर की जनरल एंट्री करनी है। तो अब ट्रांसफर करेंगे हम पूरे अमाउंट को कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 92,000 डेबिट साइड, 92,500 डेबिट साइड आएगा, 92,500 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेगा ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की एंट्रीज कर दी है, अब हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट पर ध्यान रखें प्रीमियम इंक्लूड था, तो आपको प्रीमियम मेंशन करना होगा। तो अलॉटमेंट पर सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी और प्रीमियम भी इंक्लूड था, तो एंट्री किस तरीके से होगी ये समझेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस तरीके से आप जनरल एंट्री करेंगे। आप 4 रुपीज 50 पैसे को जब आप 37,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 1,66,500 आएगा। 3 रुपीज 50 पैसे को जब आप 37,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 1,29,500 रुपीज आएगा। और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 से, तो ये आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में मेंशन कर देना है 37,000 रुपीज। नरेशन मेंशन करनी है आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसके बाद हमें रिसीव की एंट्री करनी है, तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और आपको 1,66,500 डेबिट साइड मेंशन करना है और 1,66,500 ये आपको कहाँ मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन आपको लिखनी है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री। फर्स्ट कॉल में भी सेम ही कंसेप्ट है, पहले हमारे पैसा क्या होगा ड्यू होगा, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 से, 74,000 डेबिट साइड आएगा, 74,000 क्रेडिट साइड आएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू आप मेंशन कर दीजिएगा इसकी नरेशन में। फिर रिसीव्ड की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 74,000 डेबिट साइड, 74,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हमारे पास फाइनल कॉल है, जिसमें भी कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए हैं, तो इसकी भी सेम है आपको करना है। पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 74,000 डेबिट साइड आएगा, 74,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आएगी फर्स्ट कॉल ड्यू। इसके बाद आपको करनी है रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे 74,000 डेबिट साइड आएगा और 74,000 कहाँ आएगा, 74,000 आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सारी जनरल एंट्री कर दी है। नरेशन आप लिख दिएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो सारी जनरल एंट्री हमने कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब जब जनरल एंट्री का कंसेप्ट हमने कर लिया यहाँ पे कंप्लीट, तो अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी इसको समझिएगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें थोड़ा नोट्स टू अकाउंट्स करना होगा, तो यहाँ पे हमें नोट्स टू अकाउंट्स करना है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल, इसमें हमें इशूड कैपिटल गिवन थी, कितने शेयर इशू किए गए थे, 40,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख को आपको अमाउंट ही कॉलम में लिखना होगा। सेम इसी तरीके से सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एप्लीकेशन कितने पे रिसीव हुई थी, 37,000 पे एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और 10 रुपए का एक शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,70,000 अमाउंट ही कॉलम में आप लिखेंगे। इसके बाद हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन था, सरप्लस मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था जो आपने अलॉटमेंट पे कैलकुलेट किया था ना 37,000, वो आपको मेंशन करना होगा। देन आपको कैश एंड कैश एक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको कैश एट बैंक लिखना होगा। वो सारी चीजें जो पैसों में कन्वर्ट हो सकती है उसको आपको कैश एट कैश एक्विवेलेंट में डालना होता है, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक में कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे आपको 4,07,000 मेंशन कर देना है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको मेंशन करना होगा। 4,07,000 अब कैसे आया, आप सिंपल 3,70,000 और 37,000 को प्लस करेंगे तो ये आपका 4,07,000 ही आएगा। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको मेंशन करना होगा एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ कानपुर गैस लिमिटेड एज एट फॉर्मेट, इस तरीके का होगा।
पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट करंट ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर। इसके बाद सबसे पहले आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी बनाएंगे, इसके अंडर आप शेयर होल्डर फंड मेंशन करेंगे, देन आप शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे। शेयर कैपिटल में आपको ये अमाउंट लिखना है 3,70,000, यहाँ पे नोट वन से ही अमाउंट है इसलिए वन मेंशन कर दिया हमने 3,70,000। इसके बाद हमें रिजर्व एंड सरप्लस मेंशन करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में 37,000 का अमाउंट था तो यहाँ पे 37,000 मेंशन कर दीजिएगा और नोट में 2 मेंशन कर दीजिएगा, प्लस करके हमारे पास आएगा 4,07,000। इसके बाद आपको यहाँ पे एसेट मेंशन करना है, एसेट के अंदर करंट एसेट मेंशन करके आपको मेंशन करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कितने का था कैश एट बैंक हमारे पास 4,07,000 का, तो 4,07,000 आप मेंशन कर दीजिएगा नोट 3 लेके। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इसका सॉल्यूशन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।